ना ना कहाँ ना ना हाँ खुशी हो रहा तो देखो ना खाल ना ना क्या ये भात गिरे ले खाल नुआ गेले अभी होते है घरे में घरे में लगते न गुड मॉर्निंग दोस्तों अभी टाइम हो गया है 9:30 अभी हो रहा है तो वीडियो को अभी से स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि देखें उधर पकवान बन रहा है पकौड़ी को यानी कि चप कचरी उचरी सब छना रहा है तो है ना मेरे छोटे भाई का ससुर आए हुए तो इसलिए वो सब बन रहा है। तो चलिए अभी दिखाए हैं अभी चलते हैं खाना खाने 10:30 अभी बज गया है। और ये दोस्तों एक गलसोज जो हुआ था ठंडी पर ये खाना खाते चबाते हैं तो दर्द करता है अभी। और आज का मौसम देख सकते हैं पूरी तरह से ठंडा मौसम है धूप नहीं है आज। चलते हैं खाना खाते हैं दोस्तों अभी खा रहे हैं ये देख सकते हैं दाल भात सब्जी तरुआ यही सब है। नासी में दुबोरा हो जाता है ठंडा उठा गाड़ी वाला होते सुन उठे तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ राख लेकर के। राख है बोरा में साइकिल पर और पीछे त्रिपाल है कुट्टी भी कटाना है यहीं पे बाजू में गाछी में पोरा है तो पोरा का कुट्टी कटाना है। चलते हैं अभी राख छिट के आते हैं तो पहले तो जई कटेंगे उसके बाद ट्रैक्टर आएगा तो कुटी कटाएंगे नहीं तो जई काट के चले जाएंगे। फिलहाल चलते हैं राख छीट करके आते हैं। तो छीट लिया राख खाली होगा बोरा इसी में छीटे हैं खेसारी में हो गया। अब चलते हैं जई काटते हैं चलते हैं जई वाला खेत में। तो दोस्तों आ गए आप जई वाला खेत में जई काटते हैं काट लेते हैं थोड़ा सा एक बोझा कस के नहीं कटना है थोड़ा ही कटना है तो काट के फिर मिलते हैं। काट ही रहा था कि थोड़ा सा कटा हुआ था अभी आ गया ट्रैक्टर तो चलते हैं कुटी कटाने। इधर आ रहा अभी कुटी कटा गया और अभी चलते हैं जई ले लिए हैं चलते हैं घर पे पैसा भी नहीं दिए हैं पैसा छूट गया है घर पे चलते हैं पैसा लेकर आएंगे तो थ्रेसर वाले के देंगे। फिलहाल चलते हैं 25 मिनट लगा है और 500 रुपया उसको देना है कुटी कटाई का। फिलहाल चलते हैं पैसा लेकर आते हैं पैसा लेकर के इधर साइकिल है और इधर थोड़ा सा पूरा बांधे हैं पिताजी गए हैं उधर पैसा देने उधर कुटी काट रहा है मास्क के साइड में तो और मैं अभी कुटी पूरा का बोझा बांध लिया हूँ देख सकते हैं। तो इसको उठा करके चलते हैं घर पे घर पे वो जई ले गए उसको कुटी भी कटना है फिलहाल चलते हैं घर पे मिलते हैं। दोस्तों अभी उठा करके पूरा और चल रहा हूँ घर पे चलते हैं घर पे दोस्तों।
खाने दोस्तों, अभी मैं कुटी उटी काट उट करके और भैंसी उसी को दे करके खाने के लिए और आ गया हूँ इधर। अभी चल रहा हूँ दोस्तों पंचायत भवन की तरफ घूमने, देख सकते हैं। और टाइम दोस्तों अभी 4:45 हो गया है, यानी कि अब बेर डूबने ही वाला है। और ऐसे भी बादल लगा हुआ है तो पता नहीं चल रहा है कि कितना बेर है नहीं है, कब डूबने वाला है। लेकिन अभी 4:45 हो रहा है तो आधा घंटा में बेर डूब जाएगा। अभी चलते, फिलहाल चलते हैं इधर से, थोड़ा सा टॉयलेट भी करेंगे, मैदान करेंगे इधर खेत की तरफ, और उसके बाद में फिर उधर से घूम के आएंगे। चलिए दोस्तों, अभी मैदान वैदान कर लिया, डिब्बा खाली हो गया, अभी चलते हैं घर दोस्तों। और दोस्तों एक और बात कहना चाह रहे थे, नहीं बोले हैं। बात यह है कि दोस्तों कोई काम रहता है, कोई काम के कारण अगर अकाज हो जाता है, काम पर नहीं जाते, फेरी पर नहीं जाते, तब तो ठीक है। किसी काम में बजा हो जाए या तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी कारण से अगर नहीं जाते हैं फेरी पर, तब तो ठीक है। लेकिन बिना काम के, तबीयत भी ख़राब नहीं है, कोई काम भी नहीं है, फिर भी अगर फेरी पर नहीं जाते हैं, बैठे रह जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं। और इतना ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं कि हमारे पूरा फैमिली वाले हमको निगेटिव नज़र आने लगता है, हर कोई। यानी कि कहते हैं ना, जब खुद निगेटिव रहोगे तो आपको चारों तरफ निगेटिव ही नज़र आएगा, तो ही होने लगता है। तो यही बात है दोस्तों, इसलिए बेवजह नहीं बैठना चाहिए। कोई काम है, ज़रूरी काम है, उसके खातिर अगर अकाज हो रहा है काम, तब तो ठीक है। लेकिन बिना काम के अगर बैठे रहेंगे तो निगेटिव बात ही मन में आएगा, इसलिए खाली नहीं बैठना चाहिए। ऐसे आज कुटी कटाया हूँ, तो आज तो कुटी कटा लिया, काम तो था ही, काम कुटी कटाने का काम था, इसलिए नहीं गए हैं फेरी पर। लेकिन आज दर्द नहीं कर रहा था, थोड़ा थोड़ा सुबह दर्द किया, उसके बाद में जो है ना ठंडा पे दर्द कर रहा था, वो नहीं दर्द किया है, सुबह खाली थोड़ा सा किया है बस। तो अभी मैं चलता हूँ घर दोस्तों, और आज कुटी कटाए हैं, सो कल उसको ढोएंगे, सबको ढो लेंगे, उसके बाद में परसों से चलेंगे फेरी करने। फिलहाल चलते हैं घर पे। तो अभी घर आ करके भैंस उस बांध करके, और अभी आ गया हूँ इधर बिस्तर पे, दे सकते हैं। और शाम को आया हुआ था उधर से ना पूरा लेकर के, तो कुटी काटा हूँ, तो कुटी टी काट के भैंस उसके दे करके खाना वाना खाया हुआ था, तो भूख नहीं है ज़्यादा, तो आज नहीं खाएंगे, क्योंकि शाम को खाए हुए थे लगभग कितना 4:30 बजे के आसपास खाना खाए हुए थे, तो भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। अभी खा रहे हैं, देख सकते हैं जनेरा का लाई है, देख सकते हैं किस तरह का है। तो लाई खा रहे हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए जनेरा का लाई। तो चलिए खाते हैं जनेरा का लाई, किस तरह का है, दूसरे टाइप का है। मुरही का लाई तो खाए हैं, लेकिन जनेरा का लाई नहीं खाए हुए थे, पहली बार खाए, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।